यार मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही महतारी वंदन योजना की खूब बातें हो रही हैं और अब उसकी घोषणा भी हो गई है और महतारी वंदन योजना अब लागू भी करने की कगार पर है। महिलाएं अपने घरों से उत्साहित होकर फॉर्म लेकर निकल रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर फॉर्म भी भरने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि वैसे ही हम कवर्धा के वार्ड नंबर 3 के आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे हैं, जहां ये तमाम महिलाएं अपने अपने हाथों में फॉर्म लेकर अपने अपने दस्तावेज को लेकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म को भरने के लिए पहुंची हुई हैं। ये तमाम लोग हैं और सरकार का दावा है कि एक तारीख से आने वाले एक तारीख से उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिलेगा। हमारे साथ यहाँ महिलाओं के उत्साह वर्धन के लिए स्वयं पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। महतारी वंदन योजना की खूब चर्चाएं हो रही हैं, अब कार्यक्रम शुरू भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना हम लागू करेंगे प्रदेश में ऐसा था और उसकी ये शुरुआत हो गई है मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने त्वरित रूप से महतारी वंदन योजना लागू कर दी है और इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फॉर्म भराए जा रहे हैं। अगले महीने से हर महतारियों के जो पात्र हैं उनके खाते में 1,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस योजना से महतारी महिलाएँ आत्मनिर्भर होगी, साथ ही साथ उनमें इसी वजह से उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप खुद पहुंचे हुए हैं उनके फॉर्म भरवाने के लिए? हाँ, फॉर्म भरवाने के लिए मैं खुद पहुंचा हूं और मैं देख रहा हूं कि कितना उत्साह है, महिलाएं खुश हैं, महिलाओं में आत्मनिर्भरता दिख रही है आज से। आंगनबाड़ी की आप सहायिका हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि कितने लोगों का अब तक फॉर्म भरा गया और क्या कैसी प्रक्रिया है? हाँ भैया, 2 दिन में कल के डेट में 50 फॉर्म मेरे केंद्र में भरा चुका है, वार्ड नंबर 3 केंद्र क्रमांक 1 कवर्धा कैलाश नगर से। और अभी तो बहुत सारे महिला आके यहाँ बैठी, सब सुबह 10 बजे से लाइन लगाए हैं, मेरा फॉर्म भरो मेरा फॉर्म भरो। सभी बहुत खुश है, दीदी मेरा फॉर्म भर दो मेरा फॉर्म भर दो करके सभी लोग आंगनबाड़ी में आके अपने खुद से भरवा रहे हैं। भैया, महतारी वंदन योजना को लेकर कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं, अपने अपने हाथों में फॉर्म है, उनसे भी जानते हैं कितने उत्साहित। हाँ हाँ दादी, आप फॉर्म भरने आए हैं? हाँ, फॉर्म भरने आए हूँ। हाँ, तो क्या सूचना मिली, कैसा क्या होगा योजना में? 1,000 रुपए मिलेगा हर माह। हाँ, महतारी योजना में ऐसे करके बोले हैं। 1,000 का आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए किसी को आप कहना चाहती हैं कुछ? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद देना चाहती हैं सरकार को? धन्यवाद। आपसे जानना चाहता हूं, का सुविधा है, एकर से कतका प्रभाव पड़ी महिला? बहुत सुविधा है भैया, गरीब आदमी पर सरकार खोले, बढ़िया खोले, वो धन्यवाद। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब ला धन्यवाद, बढ़िया खोले हमारे गरीब आदमी पर। तो हर महीना जब 1,000 मिली है, तो आप मन कुछ आत्मनिर्भर हो? बहुत कुछ खोई भैया, 1 साल में 12,000 मिली, बहुत हो सका थे। एक पैसा बार गरीब आदमी बता, सरकार बहुत अच्छा खोले है। उपयोग करो, हर चीज उपयोग करबो, जेन चीज कमी रही तेन चीज ले उपयोग करबो। हाँ हाँ हाँ, हर हमेशा महिला साथ दे ही, और हर हमेशा जहाँ बोली महिला वहाँ ताकतवर करके ही महिला लड़ना चाहती है, वो हमारे तरफ से उनको धन्यवाद है। आप बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हो? बीजेपी कार्यकर्ता की हूँ मैं, यही कैलाश नगर वार्ड नंबर 3 की हूँ। और मेरे कहना है अच्छी बात है, और मेरी भारत माता छत्तीसगढ़ का माटी को मेरे वापिस ला दिया, उस दलिद्दर से बचा के आज निकाल के ला दी, मैं बहुत खुश हूँ। उस महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, बहुत बहुत सम्मान बढ़ेगा, और आशीर्वाद सब माता पिता देंगे, बाल गोपाल सब लोग देंगे आशीर्वाद, मेरे तरफ से खुश है, पूरा मेहनत से ही लड़ूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी के हालात, जब हमारे कमल छाप हमारा साथ है, हमारा धरती माता साथ है, और हमारे छत्तीसगढ़ की महिला साथ है, तो हम हमेशा लड़ेंगे और हमेशा साथ देंगे। आप बताओ, आप फॉर्म लेकर आई हैं, कितना सुविधा मिलेगा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे? बहुत प्रभाव पड़ेगा सर, आप हम लोग को प्रभाव पड़ेगा, 1,000 मिल रहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को कि महिला के लिए इतना सोच रहे, तो इतने बोल रहे। जब वोटिंग हो रहा था चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये था क्या, ये मुद्दा आप लोगों के मन में चुनाव के पहले? हाँ, था हमारे। हाँ। मैं तो उनको जब गए, आप तो कार्यकर्ता लग रही हैं। मैं उनको अपने दिल से और हर माता पिता के आशीर्वाद से उसको आशीर्वाद भी दिया, उसके पीठ में हाथ भी थेपा, मैं बोले आप जरूर जीतोगे मेरा वादा है। हाँ। ऐसे के उसके बोल के और उनको बोली, और मैं तो आप कितना खुश हो योजना? खुश हूँ मैं। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और तो फॉर्म भर दिए हैं? हाँ, फॉर्म भरती हूँ।
देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं, कुछ और लोग हैं जो लोग यहाँ पर बैठी हैं और अपने पूरे दस्तावेज को वेरिफिकेशन करा रही हैं और अच्छी सुविधाएं भी मिल रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में ये अपनी दस्तावेज लेकर आते हैं, यहाँ वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में जब फॉर्म जमा किया जाता है उसके बाद नगर पालिका में जाकर उन्हें आंगनबाड़ी की जो सहायिका हैं, सहायिका दीदी, वो नगर पालिका में जाकर फॉर्म भरती हैं और फॉर्म भरने के बाद उनको रिसिप मिलता है। अब आने वाले दिनों में उन्हें वो जो घोषणा है सरकार की वो भी जल्द ही मिलती हुई दिखाई देगी। कवर्धा से छत्तीसगढ़ तक के लिए वेदांत शर्मा।